नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। हम सभी जानते हैं कि विंटर गार्डन मैरी गोल्ड यानी कि गेंदे के फूल के बिना अधूरा है। आपका गार्डन चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर आप भी विंटर के शुरुआत से ही बहुत सारे गेंदे के फूल पाना चाहते हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं और ये सही समय है। इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ जिससे कि आप इस सीजन के मैरीगोल्ड के प्लांट को नेक्स्ट सीजन तक बचा के रख सकते हैं। गेंदे के पौधे तैयार करने के दो मेथड्स होते हैं। पहले मेथड में फूल को सुखा के उसमें से सीड्स कलेक्ट करके प्लांट तैयार किए जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा है और पौधा बड़ा होकर फ्लावरिंग करने में बहुत टाइम लगता है। और आपने जितने भी सीड्स लगाए हैं सारे जर्मिनेट हो जाए उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सेकेंड मेथड जो कि मेरा फेवरेट है, उसमें हम कटिंग से प्लांट तैयार कर सकते हैं। गेंदे का कटिंग बहुत इजीली ग्रो करता है, इसलिए आप एक छोटा सा भी कटिंग लेंगे तो भी वो चल जाएगा। ये देखिए 15 दिनों में ही मेरा छोटा सा कटिंग कितना बड़ा हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितने अच्छे से रूट्स डेवलप हुए हैं। हम जब भी सीड से प्लांट ग्रो करते हैं उनमें से बहुत से पौधों में मेल फ्लावर्स आते हैं और जब तक फूल ना खिले हमको ये बात पता भी नहीं चलता। लेकिन आप जब कटिंग से प्लांट ग्रो करते हैं तब आपके मदर प्लांट में जैसा फूल है 100% वैसा ही फूल खिलेगा। है ना ये बहुत काम की इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। इसी प्लांट को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत छोटे छोटे पौधों में भी कलियां आ जाती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने दिल को कठोर करना पड़ेगा और उस बड़ को पिंच करके सेपरेट कर देना होगा। अगर आपका छोटा सा पौधा अपना सारा एनर्जी उस एक फूल के पीछे लगा देगी तो उसके ग्रोथ अफेक्टेड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने इस प्लांट को एक बड़े से चांदनी के प्लांट के साथ लगाया है। अगर आपके पास भी स्पेस कम है या आप किसी रेंटेड हाउस में रहते हैं जहाँ पे आप ज़्यादा पॉट्स नहीं रख सकते तो आप भी परमानेंट प्लांट्स के साथ सीजनल फ्लावर्स लगा सकते हैं, क्योंकि सीजनल प्लांट्स तो थोड़े दिन में सीजन ख़त्म होने के बाद मर जाते हैं। लेकिन जब आप एक पॉट में एक से ज़्यादा प्लांट लगाएं तो टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देना मत भूलना। जिस ट्रिक के बारे में मैं बात कर रही थी वो ये है कि जब आप देखें कि आपका मैरीगोल्ड का पौधा फ्लावरिंग कर चुकी है और कुछ ही दिनों में मरने वाली है, तब आप उसमें से हेल्दी कटिंग्स कलेक्ट करके किसी दूसरे जगह पे लगा के रख दें, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगा के रखा था और ये अभी तक कितने हेल्दी हैं। नेक्स्ट सीजन आने तक वो कटिंग्स सर्वाइव कर जाएंगी और उनमें भी फ्लावरिंग होगी, और आप चाहें तो उनमें से और भी ज़्यादा कटिंग लेके नए नए प्लांट्स बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इस पौधे को अभी प्रून करने वाली हूँ। इसको प्रून करने का एक फ़ायदा ये है कि इसमें से और भी नए नए ब्रांचेस निकलेंगे और ज़्यादा ब्रांचेस होंगे तो ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, और सेकेंड ये जो कटिंग्स हैं मैं इनको दूसरी जगहों पर लगा के और भी नए प्लांट्स पा सकती हूँ। हालांकि गेंदे के पौधे को आपको बहुत ज़्यादा पिंचिंग या प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा बुशी हो जाते हैं। लेकिन जब आप पौधा तैयार करें और वो 7 से 8 इंच के हो जाए तब अगर आप एक या दो बार पिंच कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फूल मिलेंगे। यहाँ पे आप जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं ये सब मैंने कटिंग से ही तैयार किया है और विंटर के स्टार्टिंग में ही मुझे इतने सारे फूल मिलना शुरू हो गए थे। सो गेंदे का कटिंग आप मॉनसून के एंड में या सितंबर के फर्स्ट हाफ में ही लगा लें। जब पौधे में कलियां आना शुरू हो जाए तब आप सरसों खली यानी कि मस्टर्ड केक को पानी में घोल के हर 15 दिन में देते रहें। और हाँ, गेंदे के पौधों को डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मेरे आने वाले वीडियोज़ में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैरीगोल्ड प्लांट्स एंड दूसरे प्लांट्स के बारे में देती रहूँगी। अगर आपको मेरे ये प्यारे प्यारे प्लांट्स और मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैं मेरे चैनल में ऑथेंटिक इंडियन देसी क्यूजिन्स के भी वीडियोस बीच बीच में अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप उनमें भी इंटरेस्टेड हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। जय हिंद।